हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो एसएसटी के पेपर की तैयारी लगभग कर चुके होंगे। आज है 27 तारीख और 29 तारीख को देकर आना है, यानी 29th को देकर आना है आपने एसएसटी का पेपर। हमारे साथ है चार एवीटीयर्स जिन्होंने ऑलरेडी एसएसटी का पेपर दे दिया, उनके मार्क्स आ चुके हैं, वो सीनियर क्लासेस में। हम आपको बताने वाले हैं कि इनका एक्सपीरियंस क्या रहा पेपर के समय। तो आइए मैं इनसे कहता हूं कि अपना एक छोटा इंट्रो दे दें और साथ में आपको ये भी बता दें कि इनके कितने कितने मार्क्स आए थे। हाय, मेरा नाम चिराग है एंड आई स्कोर 97 इन एसएसटी। या 100 में से 97 चिराग लेकर आया। हाय, मेरा नाम तन्मय है, मेरे 95 आए थे। और तन्मय के आए हैं 95। हाय, मेरा नाम जानवी है एंड आई स्कोर 97 आउट ऑफ 100। यस, 97 मार्क्स। सर देख रहे हो आप, मतलब हर तरह के स्टूडेंट्स हैं। और सर, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राघव एंड आई गॉट 100 इन एसएसटी। सर, राघव के 100 ऑन 100 आए थे। सर, मतलब इन लोगों की तैयारी जो है वो 100% थी, किसी के एक दो मार्क कम रह गए और राघव ने इस तरह से पेपर दिया कि कोई भी नंबर एग्जामिनर को मिला नहीं कि नंबर काट सकते हैं। तो आइए इन बच्चों से, इनके जो अच्छे अच्छे दिमाग हैं, इनके इनकी जो प्रैक्टिस करने की क्षमता है, आइए समझते हैं कि इन्होंने पेपर के टाइम कैसे चीजों को प्लान करा। चिराग, सबसे पहले आप बताओ बेटा, कैसे आप अपने दोस्तों को बता सकते हो कि तैयारी कैसे करी जा सकती है, पेपर कैसे दिया जा सकता है? सर, एसएसटी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है एंड इसमें हम जितना लिखें उतना हमें रिटेन उतना हमें याद रहता है। एंड जो हमें एग्जाम के टाइम पे 15 मिनट्स मिलते हैं एज रीडिंग टाइम, वो बहुत क्रूशल होते हैं। अगर हम उनका अच्छे से यूटिलाइज उनको अगर हम अच्छे से कर सकते हैं एंड उसमें अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उस पर अटकने के बजाय हम आगे बढ़ सकते हैं एंड उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में हम जितना लिखेंगे तो हमारे चांसेस हो जाते हैं कि हमारा पेपर छूट जाए। तो लंबे आंसर देखने में अगर हमारा पेपर ना छूटे तो उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है कि जो क्वेश्चंस नहीं आते उनको बाद में अटेम्प्ट किया जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सब भी जरूर ये बात जानते हो कि अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो या आपको समझ में नहीं आ रहा, यानी ब्रेन कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा कि इसको आंसर क्या करें, तो आप अभी के लिए उसको छोड़ दीजिएगा और वापस जरूर कर लीजिएगा। मैं हिस्ट्री में डोंट लर्न कि पूरी स्टोरी एक बार याद कर लो, उसके साथ इवेंट्स ऑर्डर में याद करो। एक एक पॉइंट अगर नहीं भी याद रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर स्टोरी है यू कैन फ्रेम इट इन योर ओन लैंग्वेज। ओके, बट इवेंट्स जो है वो याद, इवेंट्स और याद होने चाहिए। ओनली इंपॉर्टेंट डेट्स याद करो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको स्ट्रेस मत दो इतना। ओके, तो पूरी स्टोरी याद करने के बजाय इवेंट्स और डेट्स को याद रखा जाए ताकि अपनी लैंग्वेज बनाकर भी उसको एक स्टोरी में कन्वर्ट करा जाए। सर, जो 15 मिनट्स मिलते हैं रीडिंग टाइम में उस पे स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स करो, एक बार क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, जो नहीं आ रहे उनको सोच सोच के बार बार टेंशन मत लो, अगर उसकी टेंशन लोगे तो पूरा पेपर उसकी वजह से बेकार हो जाता है। बहुत बढ़िया बात बोली है दोस्तों, जब आपके दोस्त ही आपको ये सब बातें बताते हैं तो देखिए कितना अच्छा लगता है। आइए अब चलते हैं जानवी के पास। SST बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, एंड का टाइम बस रिवीजन के लिए रहना चाहिए एंड मैप वर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है SST में। सो एंड में वो एंड में मैप वर्क मिस नहीं करना है, वो अच्छे से करके जाएंगे तो वो बहुत बेटर है जानवी। लेकिन अभी भी जैसे आज 27 तारीख को मान लो ये वीडियो आ रहा है, तो भी बच्चों के पास लगभग एक पूरा दिन 28 का है और 27 का काफी बड़ा टाइम होगा, तो वो प्लानिंग कैसे वो कर सकते हैं? मतलब मैप्स में अगर आप कह रहे हो मैप्स एक स्ट्रेंथ है जो कि अभी तक इन बच्चों ने नहीं बोला था, तो कितना टाइम देने पर मैप्स कंप्लीट हो सकते हैं? मैप्स अराउंड 1-1.5 आवर में हो जाते हैं, तो ये बहुत स्कोरिंग होता है इसलिए इसे तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। यानी सिर्फ 1.5-2 घंटा लगाकर आपको पूरे मैप समझ में आ जाएंगे। और दोस्तों, अगर मार्क्स आ रहे हैं तो छोड़ना कौन। अब मैं लेके चलता हूँ राघव के पास। राघव, लगभग 1.5 से 2 दिन का समय है, आप प्लीज बच्चों को ये बताओ कि तैयारी कैसे करें और पेपर देते समय क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये दो बातें हम सुनना चाहते हैं आपसे। सर, तो पेपर देते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी चाहिए कि जो कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि एसएसटी के आंसर्स कभी एक बार 2-2, 3-3 पेज के भी हो जाते हैं तो एग्जामिनर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो पूरा आपका आंसर पढ़े। और कीवर्ड्स मार्क करने से एग्जामिनर के लिए बहुत कन्वीनियंट रहता है आपका पेपर चेक करना। और जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करिए, उससे क्या होता है जब आप हिस्ट्री क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो एकदम फ्लो में आपके आंसर आते रहते हैं। और अगेन उसके लिए भी उसमें भी एग्जामिनर बहुत कन्वीनियंटली आपका पेपर चेक कर सकता है, तो जब एग्जामिनर खुश होता है तो फिर आपके नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। तो राघव के कहने का मतलब है पेपर देते समय ही एग्जामिनर को मंत्रमुग्ध कर लीजिए ताकि वो अच्छे से नंबर दे सके। राघव, ये तो बात हुई कि पेपर कैसे देना है, इन 1.5 से 2 दिनों के अंदर तैयारी कैसे हो?
सर सबसे पहले मैं तो पर्सनली सबसे पहले इको पैक कर लेना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत लाइट सब्जेक्ट होता है और फटाफट हो जाते हैं टॉपिक्स. फिर उसके बाद हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल साइंस और एंड में ज्योग्राफी करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेट्स और ऐसे चीज़ें होती है जो आप बस एंड में याद कर लीजिए. और क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है तो ओवरवेलम होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस बिना स्ट्रेस लिए एक एक के बाद एक टॉपिक्स करते रहिए और आप बहुत रिलीफ फील करेंगे जैसे जैसे आपका कोर्स होते रहता है. बहुत बढ़िया. तो आपने इन चारों बच्चों से सुनी चार दिशाएं और इन सब ने ही बहुत अच्छा स्कोर करा. इन सब का मानना है कि चिंता लेने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा. तो हम और हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट और पेपर को बहुत अच्छे से करके आइएगा. तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.